एचआर जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइया ने बाल किशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी भाइयों? आज आपने जैसे लाइव ही क्लास डालने की जो शुरुआत है वो कर दी है, थोड़ी बहुत एक आधी वीडियो रुक जाए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बहुत जल्द इसका समाधान करके आपने बहुत रूटीन में लाइव ही क्लास मिलेंगी। और क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी आपने ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराने खातर आपने जो वीडियो हो डाल देनी चाहिए, ठीक है? कई लोग न सोचे हैं भाई पेपर को नहीं, लोग वीडियो देख देखो नहीं, भाई चाहिए मन 10 आदमी देखो, लेकिन कम से कम उन 10 का तो फायदा हो, अपना यो विचार है। यही उद्देश्य को रखते हुए मैंने सोचा कि भाई एक तो ऑफलाइन वीडियो जैसे डाउनलोड कर देंगे और एक लाइव का, लाइव में थोड़ी ही दिक्कत मानी गई है उसको जल्द दूर कर दिया जाएगा, लेकिन आज की जो वीडियो थी वह बहुत बढ़िया रही है, ठीक है? तो अपने पेपर चाल रहे थे HSC कलर का पेपर 20/11/2016 मॉर्निंग शिफ्ट का करा दिया था, इवनिंग का इब कराऊंगा, ठीक है? उस तक खात कई बड़का के कमेंट आ वीडियो के नीचे मैथ करवा दो जी, तो मैथ खातर अपना जो मास्टर है संदीप यादव मैथ उसका चैनल पर जाओ और उन्हें वीडियो डाउनलोड कर रखी सारी, ठीक है? और बहुत जल्द मास्टर एक दो चैप्टर और कराओ है, कल मास्टर जी अपने आओगे तो बात कर लेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब यो है उस जाकर चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उड़ा आप इतने प्रैक्टिस करो अपनी, ठीक है? उसके बाद जो ये बचे हैं मैथ के सवाल जो उन पेपर में सर उस चैनल पर सारा जो कर हमने यो बेड़ा ठा लिया तो ठा लिया, सर अपने चैनल पर उसने करवा देंगे, ठीक है? तो मैथ की टेंशन ना लो आप, संदीप यादव मैथ पर जाओ सब्सक्राइब करो, ई बापा आगे शुरुआत करा। और अपना फेसबुक पेज है बाल किशन कौशिक का नाम था, उसने लाइक कर दियो, बाल किशन कौशिक का नाम था फेसबुक पेज है, ठीक है? ताकि एक आध किसी ने बात करनी हो थोड़ा आप अपना सवाल या प्रश्न पूछ सको हो, ठीक है? ई शुरुआत कर दिया, हाँ पहला प्रश्न, ठीक है? यो पहला प्रश्न है साथियों, हाँ, देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? नदियां के नाम दे रखिए, नू पूछ रखिए, सबसे ज़्यादा जो है भूजल संसाधन कौन से हैं? नर्मदा में, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या गंगा? तो गंगा नदी है इसका हिसाब से, इसमें गंगा नदी में जो है सबसे ज़्यादा भूजल संसाधन है गंगा नदी में, ठीक है? अगला प्रश्न अपना जो है वो भी नेशनल जीके का है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जल्दी बताओ, राज्यसभा के दो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो होता है साथियों, एकल स्थानीय वोटों का जो प्रयोग करके, कहने का मतलब यो है अप्रत्यक्ष रूप से विधायक और उस तक चुने हुए जो लोग हैं विधायिका और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसका चुनाव, ठीक है? इसमें जनता का कोई रोल को नहीं होता, ठीक है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो राज्यसभा के सदस्यों का, और लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसा हो है प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है? अगला प्रश्न भी नेशनल जीके का है यो, बिल्कुल सही। मरीची का एक उदाहरण है, मरीची का साइंस का प्रश्न आ गया है मरीची का एक उदाहरण है। तो प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन का, मरीची का एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ये एक उदाहरण है, ठीक है? मरीची का एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ओके रिपोर्ट, ठीक है? अगला प्रश्न है, यो भी साइंस का है साथियों, ठीक है? इसमें पूछा है लेंस किससे बनता है, लेंस किससे बनता है, मतलब कांच कौन सा कांच उस लेंस बनाने में प्रयोग किया जाए। नंबर एक है पायरेक्स कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच, फिलिंग कांच। तो फिलिंग कांच इसका उत्तर है, लेंस जिसका बने, ठीक है? ओके, अगला जो प्रश्न है
हरियाणा जी क्या आ गई भाई भाई अरे हरियाणा जी क्या अपनी शुरुआत होगी है भी? बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में है जल्दी बताओ। बड़कल झील जो है बड़कल झील कड़ा है जल्दी बताओ। फरीदाबाद में कहां पर है बड़कल झील? फरीदाबाद में। ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न हरियाणा का राज्य क्या है? सब का याद होंगे ये प्रश्न तो यार है, फिर भी मैं कराने पड़ रहे हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कई इसमें भी गलत कर दे हैं, तो अपना राजकीय वृक्ष जो है पीपल वृक्ष है। कौन सा है? पीपल है। और भारत का पूछो तो बरगद, राष्ट्रीय पूछो तो कौन सा है? बरगद जो है, बड़का जो वृक्ष पेड़ है वो राष्ट्रीय है। पंडित जसराज किस विधा से संबंध रखते थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा गया है। पंडित जसराज बार बार बता लिया है, बार बार रिपीट हो है, इनका संबंध पूछा किस तरह है? शास्त्रीय संगीत तो इनका संबंध है, ठीक है। पंडित जसराज का जो संबंध है किस तरह, कौन सा क्षेत्र तय है? शास्त्रीय संगीत तो इनका संबंध है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और यो याद भी होगा। किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? किस जिले में? चार जिले दे रखे हैं, उनमें नू पूछ रहा कि कौन सा जिले में रेलवे लाइन नहीं है, तो आप आइडिया लगा चुके हो गए। हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पलवल रेवाड़ी सिरसा या नुहू, तो नुहू या मेवात में रेलवे लाइन नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा नुहू। हरियाणा का ऐसा जिला जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है, तो कौन सा जिला है? नुहू जिला है। ओके रिपोर्ट साथियों, अगला प्रश्न है। हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा लिखा गया? अति आसान प्रश्न है। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी जो है हरियाणा का पहला उपन्यास राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राजा राम शास्त्री, ठीक है। हरियाणवी उपन्यास पहला कौन सा था? झाड़ू फिरी। और किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। अगरवा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अगरवा जो धाम है हिसार में है, वो किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अगरवा जो है किस कारण जाना जाता है, तो इसमें उत्तर है महाराज अगरसेन के कारण जो है वो पूरे भारत में जाना जाता है। और अगरवा को हरियाणा में संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक? संगीत का जनक भी से कहा जाता है, ठीक है साथियों। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, वो भी हरियाणा जी के का है। उस टाइम का करंट अफेयर था, चलो इसे छोड़ दो। मंत्री पूछ रहा क्या था, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, यो भी बार बार रिपीट हो रहा है। 40 हाफिज का मकबरा इसार में है भाई, ओकड़ा है इसार में है। और इसार जिला 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का 7 मई बना था। और वर्तमान में हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा जिला भी कौन सा है? इसार है। वर्तमान में इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और लोहो नगरी भी इसको कहा जाता है। हरियाणा की लोहो नगरी स्टील सिटी किसे कहा गया है? इसार जिले को कहा गया है। ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर पश्चिमी यमुना नहर है? लिखने की जरूरत है कोनी, सब नबेरा है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न फिर आ गया है। हरियाणा विकास पार्टी, देखो बार बार रिपीट होने लाग रहे हैं प्रश्न। हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी, किसकी थी? या तो बंसीलाल, हरियाणा का जो लो पुरुष है बंसीलाल ने यह पार्टी बनाई थी। बार बार बता भी रखी हर वीडियो में, नहीं हो लड़का लड़की इसका चुनाव चिन्ह था। और इनके काल में हरियाणा में जो है शराबबंदी हुई थी। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाड़ी में है, और लाड़ी रोहतक जिले में, ठीक है। बंसीलाल यूनिवर्सिटी है भिवाणी में, बंसीलाल विश्वविद्यालय पूछे तो भिवाणी में है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014
14 में, और भिवानी के गोलागढ़ जो है गांव में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा का सब युवा मुख्यमंत्री बनने का जिक्र करूँ तो बंसीलाल 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है साथियों, तो ये सारे पेपर में प्रश्न है, आलिए और आण की उम्मीद भी है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर अपना देखते हैं, नेशनल जीके हरियाणा जीके है, ये भी हरियाणा जीके का है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? हरियाणा के जो करनाल में कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो जिनका नाम पे करण झील, करण झील जो है हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध है। कौन सी झील है? करण झील जो हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध है। ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले किसका निर्माण करवाया था? बहुत बार पेपर में यह प्रश्न देखने में मिला है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी पहुंचकर किसका निर्माण करवाया सबसे पहले? तो गौशाला का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, गौशाला का निर्माण उन्हें करवाया था रेवाड़ी पहुंचकर। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला प्रश्न जो है, महम का किला किस जिले में है? महम का किला तो फिर आपने नुए बेराना चाहिए, महम तहसील किस जिले में है? तो रोहतक में है भाइयों। 24 का चौतरा पूछूं या कुछ भी पूछूं, महम का जो किला है वो कड़ा है रोहतक में है। ठीक है, और 24 का चबूतरा यो भी कड़ा है मैम में है, ज्ञानी चोर की बावड़ी या भी कड़ा है मैम में है, और हिरण जो उद्यान है दो है हरियाणा में, एक तो हिसार में है इसार, और एक कड़ा है मैम में है। वर्तमान जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी किस तहसील में है? मैम तहसील में। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बार बार रिपीट हो, जल्दी बताओ। अब भी आ रहा था इन पेपरा में, कलर काड़ा में और पलड़िया में भी आ रहा था, महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या है? बहुधान्य के। क्या नाम है? बहु धान्य के। महाभारत काल में जो हरियाणा को, महाभारत में हरियाणा को बहु धान्य के कहा गया था। क्या क्या कहा गया? बहु धान्य के। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोहतक आकाशवाणी की स्थापना पूछ रखी है, रोहतक आकाशवाणी स्थापना 8 मई 1976 में, हरियाणा का पहला आकाशवाणी कौन सा बना था? रोहतक में बना था 8 मई 1976 को। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, जुई नहर हरियाणा के किस जिले में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अभी जुई जो नहर है वह हरियाणा के किस जिले में है? तो भिवानी जिले में। ठीक है, जुई नहर हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी जिले में। कौन से जिले में है? भिवानी जिले में जुई नहर। ठीक है, उसके बाद किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का आमना सामना हुआ? भाई जो पृथ्वीराज चौहान व गौरी किस युद्ध में आमना सामना आया था? तराइन का युद्ध जो आया था 1191 में पहला, और 1192 में दूसरा। इस समय पृथ्वीराज चौहान जीता और इस समय जीता था गौरी। ठीक है, और तराइन वर्तमान में किस जिले में है? करनाल में है, इसका वर्तमान नाम तरावड़ी। ओके रिपोर्ट। अगला जो प्रश्न है अपना वो देख लिया, हाँ, समुद्र में भारत का सीमांतर्गत जल कितनी दूर तक विस्तृत है? मतलब समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील पेपर में प्रश्न आया और है, और यो बार बार देखने यो प्रश्न मिला है, नेशनल जीके का प्रश्न है, भारत की भूगोल का ज्योग्राफी का प्रश्न है, भारत की समुद्रीय सीमा कितनी है?
तो 12 नोटिकल मील जो है भारत की समुद्रीय सीमा है, कितनी है 12 नोटिकल मील जो भारत की समुद्रीय सीमा है, ठीक है। कौन से भारतीय राज्य में नारियल सबसे ज्यादा हो, चार राज्य दे रखे हैं साथियों, निम्न में से सबसे ज्यादा नारियल, सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन के दे रखा है कर्नाटक, कर्नाटक, और डी है बिहार। तो सबसे ज्यादा इन ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा नारियल हो, ठीक है साथियों, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नारियल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य का यो तो प्रश्न बदल लिया है, किस राज्य का अलग संविधान है, तो जम्मू कश्मीर की जो धारा हटा दी है उस टाइम का यो प्रश्न है 2016 का, तो इसने छोड़ दो, ठीक है। पहले यो प्रश्न बहुत आया करता, इब नहीं आओगा आगे, या समस्या खत्म हो गई है, ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न है जी, किस वर्ष में प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो प्रथम बैंक 1947 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1969 में, या 1980 में। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। भारत पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था भाइयों, शिमला जो समझौता था वो किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताओ, शिमला समझौता, लिखने की जरूरत को नहीं दिए प्रश्न पूरे, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेशनल जीके का है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवरों की आकृति है, जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय जो अपना चिन्ह है, प्रतीक है, उसमें सिंह के अलावा और कौन से दो जानवर है जिनकी आकृति दे रखी है, जल्दी बताओ, ऑप्शन ए गाय तथा शेर, ऑप्शन बी बैल तथा घोड़ा, ऑप्शन सी घोड़ा तथा कुत्ता, ऑप्शन डी बकरा तथा बैल। तो इसका बी उत्तर आ जाएगा, बैल तथा घोड़ा, बैल और घोड़ा जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सिंह के अलावा अपने ये दिखाई दें, ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न है जी, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, भारतीय राज्य सीमा जो हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर, ओ सॉरी हरियाणा का नहीं, भारत का पूछा है, भारत का ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा के है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ओके रिपोर्ट। वैसे ऑप्शन बता दूं, आपने देने की जरूरत को नहीं ऑप्शन, तो क्योंकि आप सबका याद हो ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट दे रखा था, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा जो है वो भारतीय सीमा में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, आजाद भारत का सबसे पहले आम बजट किसने, बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, प्रश्न ध्यान से सुन लियो, स्वतंत्र भारत या आजाद भारत का पहला आम बजट किसने पेश कराया था, आर के षणमुख शेट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न ये हो गए हैं, यो आगे रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं, अगला प्रश्न है, यो भी नेशनल जीके का है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न बार बार पूछा गया है और उत्तर बहुत बड़ा का उत्तर भी आओ हैं, 5, कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र का में, कितने स्थायी सदस्य हैं, 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य पूछो तो कितने हैं, 5, ठीक है। ये करंट अफेयर के प्रश्न आ गए हैं साथियों, आ गए बिल्कुल, ये उस टाइम की करंट अफेयर थी, इसमें करंट का कोई फायदा को नहीं। एक यो साइंस का प्रश्न है, मधुमेह रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है,
इंसुलिन। मधुमेह का जो रोगी है उसे की कौन सी इंसुलिन, कौन सी औषधि दी जा है, इंसुलिन जो है मधुमेह के रोगी को औषधि दी जा है। तो ये नेशनल जीके और हरियाणा जीके के कुछ प्रश्न थे और ज़्यादातर इसमें 8-9 नंबर के जो है करंट अफेयर आ रही थी साथियों। तो इसमें प्रयास ये करेगा है कि इसमें मेन मेन जो प्रश्न थे वो आप तो बता दिए गए हैं, जो रिपीट होने की भी उम्मीद है। तो जल्द जल्द जो भी चीज़, क्योंकि सारी चीज़ इसी भी को नहीं, कोई बाढ़ तनु का जो पास्ट ईयर पेपर पढ़ लियो भाई, पास्ट ईयर में तो उस टाइम की करंट अफेयर भी आ रही 8 नंबर की के काम आई। तो इसीलिए यो ओए मिश्रण निकाला जा रहा है जो भविष्य में भी काम आ सके है, जिस तरह बार बार प्रश्न बने हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो ने देखो, पसंद आओ तो शेयर करो, ठीक है। और जैसे ही जीव अपना यो सिस्टम डाउन हो जाएगा, कोई किस तकनीकी जो दिक्कत है वह खत्म हो जाएगी, तो आपने जो उचित समय है लाइव आने का वो भी बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ठीक है। वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, रिपोर्ट।